बड़े चतुराई से ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लिखे हुए को मिटा करके ये नागपुरिया कानून जो आरएसएस का झंडा है उसको लागू करना चाहते हैं। और आप लोगों को बता दें कि ये लड़ाई जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा जब तक आप लोगों का आरक्षण नहीं बढ़ेगा, आरक्षण बढ़ेगा आप सब लोगों को आपका रोजगार मिलेगा। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों का सावधान करने कि लोग निकल का बात करेगा लेकिन आप लोगों की पूरा भोगने का काम करेगा। इसलिए आरक्षण की लड़ाई को, बेरोजगारी के मसले को आप लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल के हाथों को मजबूत करने का काम कर जिला युद्ध के हाथों को मजबूत करने का काम कर। आज जब आप लोग रोजगार मांग रहे हैं तो मोदी जी बोल रहे पकवान बोलते हैं पकवान ऐसा लग रहा है मोदी जी के आने के बाद लोग पकवान बेचने लगा, पहले तो पकौड़े को बेच पाए। अरे मोदी जी आपको थोड़ी ना पकवान बेचना सिखाए हैं लोगों को, ये तो इतना सालों से चलता आ रहा है। जब घर में भूखे लोग मर रहा है तो कुछ तो घर वाला का पेट भरने के लिए पकौड़ों बेचेगा, भिंडियों बेचेगा। लेकिन एक बात बताइए कि पकौड़ा बेचने के लिए भी आज डिग्री लेकर भी लोग बेरोजगार नहीं। अबे एमबीए का डिग्री लेकर के बीए का डिग्री लेकर के लोग चपरासी में भरा भरने गरीब भर ये स्थिति आ गई है। क्या कहा जा रहा है बेरोजगार को आप समझिए कि वही लोग अब पकौड़ा भी बेचने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी जी से बोल रहे हैं मोदी जी पकौड़ा बेचने के लिए तो बड़ा चाहिए होता है, सामानी चाहिए होता है, खेलना चाहिए होता है। बोला पंद्रह पंद्रह लाख का मुआवजा कर लीजिए, दो चार लाख में मजदूरी करा दीजिए, हम तो पकौड़ा बेचने। लेकिन देखिए पकौड़ा अगर हर साल में 2 करोड़ लोग बेचेगा तो पकौड़ा कौन खाएगा? 7 साल में 2 करोड़ लोग पकौड़ा बेचे कौन खाएगा? 5 साल में 10 करोड़ लोग पकौड़ा बेचेंगे। हर घर में पकौड़ा बनाने वाला पैदा होगा, हर घर में पकौड़ा बनाने वाला लोग होगा तो बढ़ावा किया जाएगा। फिर जब सबके अपना घर में कपड़ा मिल जाएगा तो बाहर क्यों फैलाएंगे? ऐसा ना ये ठग रहा है आप लोगों को, ये ठग रहा है। ये लोग चाहते हैं कि जो उनके खिलाफ बोल रहा है आज हम लोग लड़ाई लड़ जाए। अगर हमारे मन में हमारे भाई बहन हमारे पिता के मन में अगर बेईमानी होता तो आप बीजेपी से और अपने विचारधारा से समझौता कर लेते और बीजेपी से समझौता कर लेते आज हम मुख्यमंत्री होते। लेकिन नीतीश कुमार जी बीजेपी के सामने घटना कल कही क्या चीज का घटना? सृजन घोटाला है, सृजन घोटाला। तो जो बेईमान होता है वही शरण में जाता है, जो ईमानदार होता है वो